अक्सर हम लोग यहां से यहां जाते हैं। अगर मैं किसी पापा को पूछू क्या करते हो, काय नहीं गलत मुलांसाठी सब करता हो यार, 10-10 घंटा काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, पैसा कमा के लाके देता हूँ, इनको पढ़ाता लिखाता हूँ, क्या करते क्या ये लोग। अरे सब 99% लोग यही बोलेंगे, माँ बोलेगी मैं पूरा दिन घर में बर्तन घीसती हूँ, खाना पकाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती बिठाती हूँ, फिर भी मेरा कोई वैल्यू नहीं। बराबर, वो घर कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपस में लगे हुए सब क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और बाद में क्यों कर रहे हो। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि एक्चुअली यू नो मैं इस परिवार को एक साथ रखना चाहती हूँ, मैं परिवार से प्रेम करती हूँ, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरा प्यार जरिया है, फिर उसके लिए मुझे दिन भर काम करना पड़े तो भी चलेगा, मुझे कितना भी घंटा मेहनत करना पड़े तो भी चलेगा, यहाँ थकावट नहीं मिलती। बराबर, सिर्फ सोच की फर्क है, सिर्फ सोच। जो व्यक्ति ऐसा काम करता ना उसको 10 घंटे भी मर मर के काम करेगा तो भी खुश रहता है, क्योंकि उसको मालूम है वो किसके लिए कर रहा है, वो प्यार के लिए कर रहा है, राइट। और जो व्यक्ति ये करता है कि साला मैं 8-10 घंटा काम करता हूँ, वहां फंस जाता है। ये इसी में भी ऐसे ही है, जो व्यक्ति ये सोच रहा है साला अभी साइन अप किया कभी आएगा पैसा वीसा ये वो खत्म, वो पहले ही चीजें फेल होने लगा, क्योंकि वो इधर से अंदर जा रहा है, इधर से सीधा इधर जा रहा है, यानी क्यों कर रहा है उसको अभी तक नहीं मालूम, उसको क्यों करना है उसको मालूम है, पैसे चाहिए अपने को, क्या पैसा डॉलर ज्यादा ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन वो जा कैसे रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, फिर इसके लिए क्या चाहिए, क्या करने का प्लान कैसा है बताओ, हाँ उसमें प्रोडक्ट नॉलेज क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट नॉलेज ये बताओ, और फिर हाँ फिर उसके बाद पैसा मिलेगा, वो इधर ही फंसेगा, ये बहुत लंबा रास्ता है, कभी नहीं जा पाएगा, अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन दूसरे लोग है ना ऐसे, मैंने देखे जैसे ये जो कंट्रीज में बोल रहे सक्सेसफुल, उनको मालूम नहीं, प्लान भी नहीं मालूम, उनको प्रोडक्ट भी ज्यादा कुछ नहीं मालूम, आज ये क्या जाता कुछ पता नहीं, लेकिन बड़ा बड़ा चेक लेके जाते, क्यों, क्योंकि उनको मालूम है क्यों करना है यार, अपने को करना है यार, क्या करना है, ऐसी बहुत पसंद है, जींस जैसा कोई कंपनी नहीं देखा मैंने, मजा आ गया यार, मेरे को ये करना है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को 10 लोगों को बताने का, बात खत्म, लोग ले ना ले मेरे दूसरी बात, मेरे को अच्छा लगा है मेरे को बताना है, और वो अपना काम करता है। देखो यही कृष्णा ने भी बोला, कर्म कर फल की चिंता मत कर, ये परफेक्ट है, यहाँ जाता है वो, वहां से फिर इधर आता है, कैसे काम करता है ये, मेरे को तो ऐसा काम करता है, एक मीटिंग है उसमें देख लेना कैसे काम कर रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं, और देखते प्लान भी नहीं, वो भी मालूम नहीं पैसा आ रहा है, क्या बात कर रहा है पैसा, ठीक है। वो लोग इधर जुड़ते यहां जुड़ते क्यों से, आपके क्यों से लोग जुड़ेंगे, अगर आपके पास क्यों नहीं है ना, ये एक्शन में आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्यों होना बहुत जरूरी है, और यही चीज प्रोडक्ट में भी आती है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। अभी मैं अगर बोलू टूथपेस्ट, ये ना टूथपेस्ट में क्या इंग्रेडिएंट है, हाउ डज इट वर्क, उसमें कैसा काम करता है, उसमें क्या क्या बना के बेचा है, उसको फिर लेना चाहिए तुमने, तो लोग नहीं लेंगे, अक्सर नहीं लेते, क्योंकि मैं अगर बोलू आपने किसी ने पूछा टूथपेस्ट खाया तो चलेगा क्या, कॉमन सेंस है, कोलगेट भी खाओ कुछ नहीं होगा, अगर होता तो वो कभी भी टूथपेस्ट नहीं बनता, क्योंकि बच्चे को आप देते हैं तो गवर्नमेंट भी अप्रूव नहीं करता ना, आप समझे मेरी बात, क्लोजअप भी खा जाओ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सेफ है, नहीं तो बच्चे को देने के लिए गवर्नमेंट अप्रूव ही नहीं करता, आप समझ में आया, तो इससे बट डरो कि ये खाओ कि नहीं खाओ, वो तो बहुत दूसरी वाली चीज है, मेन क्या है इसमें, क्या है जो दूसरे में नहीं है, ज्ञानोदर्मा खत्म बात, एक लाइन में आप उन्हें खत्म करना चाहिए, लेकिन फिर हमको मालूम होना चाहिए कि वो पॉइंट कैसा हो जाए, बात कम एक्शन ज्यादा होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ होती है, यहाँ पे फीलिंग्स होती है, यहाँ पे फीलिंग्स होती है, ये होता है हार्ट से जुड़ा हुआ, ये हृदय से जुड़ा हुआ है, ये हार्ट, यहाँ ब्रेन, यहां से ब्रेन शुरू करता है, क्या कैसे कहां, ये दिमाग, दिमाग आ गया, वहां तेरा दिमाग और मेरा दिमाग बहुत अलग अलग, मेरा हार्ट और तेरा हार्ट सेम है, बराबर कि नहीं, जहां सेम है ना वहां नेटवर्किंग होती है, प्यार वहां बढ़ता है, जहां आपको समझ में मालूम नहीं यार वो बंदा बहुत अच्छा बोलता है, मेरे को क्या भेजता है क्या मालूम नहीं, अच्छा लगता है अपने, ऐसा होना चाहिए, कंफ्यूजन होना चाहिए कि नॉलेज के बियॉन्ड वो फीलिंग आना चाहिए, जिस दिन वैसा हो गया ना तब शुरू हो जाता है, मालूम नहीं अपने को, लेकिन मेरा पापा जो है, मैं अगर बेटी अगर ऐसे बोलेगी मालूम नहीं यार क्या करते पापा, लेकिन पापा जो भी है मेरे लिए दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है, बस वो फीलिंग उसको एक्स्ट्रा करने को लगाएगी,
और वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट हम कहां बेच रहे, हम अक्सर यहां बेचते हैं डिजीज में, कैसे काम करेगा, कौन सा बीमारी क्या है, ऐसे ऐसे ले लो, उसको लो, वो लो, इधर इधर यहाँ पे फंसे हुए, इसीलिए बहुत मदद लगती है, क्योंकि हाउ तो हमको मालूम नहीं रहता, इसलिए किसी और की जरूरत रहती है। यहाँ पे वेलनेस है। अभी आप सोचो डीएक्सएन को पोजीशन करना है आपको कंपनी को, अगर आप बोलोगे एक हमारे पास जेनोडर्मा है वो बहुत अच्छा है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, वो बहुत सारी इसमें अडेप्टोजन है, वो आपके बहुत सारे कंडीशन में हेल्प कर सकता है, कैंसर में हेल्प कर सकता है, फिर यहाँ जाओगे वो कैसे काम करता है, वो बॉडी में जाके फिर वो डिटॉक्सिफिकेशन करता, वो क्लेंजिंग करता, क्या लेंगे क्या आप मेरा गैनोडर्मा? लोग बोलेंगे डर लगता है उसमें, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, इसमें वो प्रॉब्लम हो गया, आदमी 10 क्वेश्चन पूछेगा ना, क्योंकि तुमने इतना दिया तो उसको पहले पूछेगा तू कौन बताने वाले सब, राइट और रॉन्ग, क्यों वहां फंस गए, वहां आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाए, वहां रिजेक्शन, फर्स्ट रिजेक्शन। सेकंड चीज आप देखो इसको घुमा दो, पहले क्यों इसी को घुमा दो, पहले क्या करोगे, क्यों क्यों यार, जिंदगी ना बिना बीमारी के जीनी चाहिए। और एक चीज है, अगर बीमार है तो वो अपनी गलती की वजह, किसी ने अपने को बीमार नहीं दी, सर्दी खांसी जैसी नहीं ना डायबिटीज, इसको डायबिटीज हो गया, इसको मैं छू लिया मेरे को डायबिटीज नहीं होगा, बराबर। चोर को छूने से मैं चोर थोड़े बनूंगा, डाकू को छूने से मैं डाकू बनूंगा, खूनी को छूने से मैं खूनी बनूंगा नहीं, डायबिटीज वाले को छूया तो मैं डायबिटीज नहीं बनूंगा, यानी उसने कुछ तो गलत किया है, बराबर। चोरी ने चोर ने चोरी की, खूनी ने खून किया, डायबिटीज वाले ने अगर हम अच्छी तरह रहेंगे, शरीर जहाँ पे आत्मा बसता है, जहाँ मन घूमता रहता है, एक इना आवारा बच्चे की तरह मन इधर उधर घूमना चाहता है शरीर में, लेकिन उस शरीर को ही तुमने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, फिर कहां रहा मन, कहां रहा आत्मा? मेन चीज है, मैं ये जानता हूं, आपने ऐसा बोला जी, मैं ये मानता हूं। सोचो ये कृष्णा ने भी किया, अर्जुन जब ऐसा फुल था, अभी इसको द्रोणाचार्य को कैसे मारू, मैं भीष्म को कैसे मारू, नहीं नहीं होगा नहीं होगा, कृष्णा वहां बैठ के बोल रहा मैं 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं, तेरे को मैंने चूज इसलिए किया, तेरे को मैंने ऑर्डर दिया तुझे खत्म कर, नहीं नहीं फिर उसका क्या होगा, फिर वो मेरे तो दादा है, तू इतना कहां सोच रहा है ना, तूने डिसाइड किया है क्या, तू तेरा कर्म कर, उसकी फल की चिंता मत कर, जब मैं डिसाइड किया तो कर बिंदास। तो वहां पे उसने क्या बताया, उसने कर्म के बारे में बताया, यहां मेरी सिंपल चीज है, आप चूज कर लो वाय, जैसे मैं बोलता हूं, मैं ये जानता हूं कि शरीर जो है ना ये सिंपल बदलता है, गलत करो तो गलत भी बदलेगा, अच्छा करो तो अच्छा बदलेगा, कैंसर हो गया है गलती तेरी है, कैंसर से निकलना है कर्म तुझे करना पड़ेगा, मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं, ये बदलता है बाल, ये मेरा बिलीफ है, मैं ये 100% बिलीव करता हूं, मेरे खुद के घर में, मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूं लेकिन मेरे को आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं चाहिए मेरे घर में, सोचो। तो फिर मैंने सोचा सोचो मेरे घर में नहीं चाहिए, मैं फिर क्लिनिक क्यों डालू, मैं कुछ तो मेरे घर में करता हूँ, जिसके मेरे घर में मेरे को आयुर्वेदिक भी दवाई नहीं चाहिए, एलोपैथी तो थोड़ी दूर की बात, अगर आयुर्वेदिक भी दवाई नहीं चाहिए मेरे घर में तो मैं कुछ तो मेरे घर में करता हूँ, वही चीज अगर मैं मेरे बिल्डिंग में करूँ, मेरी सोसाइटी में करूँ, तो शायद किसी को एलोपैथी या आयुर्वेदिक कुछ भी नहीं लगेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी सोच है, मेरी बिलीफ है, मैंने क्या किया, मेरी बिलीफ बताई, मेरी बिलीफ बनाने के बाद मैं बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आता है क्या कर सकते हैं, फिर कैसे करने का, फिर लोग पूछेंगे, मैं तो ऐसे करता हूं, अच्छा फिर वहां से वो आपके फॉलोअर बनेंगे, राइट और रॉन्ग, यहां से जुड़ना शुरू हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपको अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, सफरजन मालूम है, मालूम है एप्पल, एप्पल अगर आप में से अभी आप सोचोगे, अगर आपने एक एप्पल खाया उसका टेस्ट आपको आया, और आपको ये बताना उन लोगों को जिनको कभी जिंदगी में एप्पल देखा ही नहीं,
जिंदगी में किसी ने एप्पल देखा ही खाया था छोड़ की बात, उसको आपको बताना कि एप्पल टेस्ट कैसे करता है, कैसे बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी अपना एक्सपीरियंस किसी को उस इंसान को बताने वाले हो जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं। जिस दिन आप ये कला सीख गए, आपका एक्सपीरियंस उसके मन में जाके उसका एक्सपीरियंस बन गया, वहां वो आपसे जुड़ गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे बता सकते कोई? एक एप्पल आपने खाया, उसका टेस्ट आपको मालूम पड़ा और आपको उसको बताना है, कैसे बताओ? बता सकते हो? पहिलं ऍपल खायचं, पण तुम्हाला ते सांगायचे कसं टेस्ट कसं आहे, कसं सांगणार? उसासारखं का? असं बघा, तुम्ही आज तुम्हाला सांगतो, बताओ अभि आप बताओ। चलो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। देखो मैं पिछले 5 साल में अनजान इंसान जो डीएक्शन में था, आज कहीं ना कहीं तो हो जा। बोलो बोलो सर, फीलिंग बताना पड़ेगा। फीलिंग क्या बोलेगा? इससे इम्यूनिटी बढ़ता है। नहीं नहीं, उसको नहीं खिला सकते आप, खावे एक ही एप्पल था दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूँ, यही 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 बड़े बड़े महाराज लोग यही लोग करते हैं। जैसे यू नो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये ट्रिक अगर आपको आ गया ना तो आपको सब आ गया। अच्छा दूसरा, और ये एग्जाम्पल सोचो और मेरे को जवाब दो। दूसरा चीज, आपको बंदे को सब कलर मालूम है, रेड ब्लू ग्रीन येलो जो जितने भी कलर होते हैं दुनिया के सब मालूम है। उस इंसान ने कभी सफेद कलर नहीं देखा, देखा नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं, लेकिन तुमने देखा है। तुम उसको कैसे बताओगे सफेद कलर कैसा होता है? मुश्किल है, मुश्किल है, फिर खत्म। कैसे बताएंगे? वही तो है ना, आप अपना एक्सपीरियंस कैसे बताओगे? और जब तक आप नहीं बता पाओगे वो कहां आपका फॉलोअर बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए देखो ये ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आप सीखे फिर वहां से शुरू हो जाता है लोग जुड़ना। समझ में आया? फिर इसने एप्पल खाया, इसने अपने को खिलाया बिना खाए, मैंने इसने खाया, लेकिन इसका जो फीलिंग है ना मेरे अंदर भी आ गया, मेरे को ऐसा लगा मैंने ही एप्पल खाया। वही बोलता है बाबा बैठा है, बाबा बोलता है मैं भगवान को देखा, आ गया। कैसा भगवान कैसा होता है? इधर आ, मेरे को बताता। वो बता रहा भगवान इसको तो कभी नहीं दिखेगा, कभी जिंदगी में उसको कोई भी कॉलर को भगवान नहीं दिखेगा, लेकिन उसको ये मालूम है साला इसको भगवान दिखा, इसने कुछ तो बोला, अपने को भी दिखेगा। वो होप में वो बैठा रहता, रोज आके दरबार में बैठता है। वो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपको समझने के लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन आना ही पड़ेगा, ये बताना आना पड़ेगा। जिस दिन आपको ये आ गया उस दिन आप ऑटोमेटिकली फॉलोअर बने, आपको ऑलरेडी बोले। तो एप्पल कोई ट्राई करना चाहेगा? एप्पल सफरचंद खा लिया और बताना है कैसा है? नहीं ना, मुश्किल है। अच्छा यह वेरी गुड ट्राई। ऑफिस किधर है? एप्पल का ऑफिस है। देखो अपना दिमाग देखो, सवाल क्या है और आपका जवाब क्या है, वही कंफ्यूजन हो गया। आप हर चीज इसके साथ मत जोड़ो ना, डीएक्शन के साथ मैंने जोड़ा ही आपका नहीं, नहीं। क्या प्रॉब्लम होता है? हम हर चीज या बेचने जाते हैं, कोई नहीं खरीदेगा। लोग नेटवर्क मार्केटिंग हो इज रिलेशनशिप मार्केटिंग, वो आपसे जुड़ेंगे, कंपनी तो बाद में आएगी, राइट और रॉन्ग? पहले वो आपसे जुड़ेंगे। और आप क्या करना चाहते हो? मेरे से मत जुड़ो, मेरी कंपनी से जुड़ो, कंपनी से जुड़ो। वो नहीं जुड़ेगा, पहले वो आपसे तो जुड़े, राइट और रॉन्ग? आपसे जुड़ गया आपका काम बन गया, कंपनी से जुड़े बात सेकेंडरी है। बताओ कोई ट्राई करना चाहते हो? यहाँ कोई बोला? यस यस। दुनिया में एक ही एप्पल था वो आपने खा लिया और उसको बता रहे हो आप? यार ये कौन सा
स्पेशल एक्सप्रेशन ऐसी होनी चाहिए हमारी कि उसको लगना चाहिए वो अच्छा है, उसका वो ही बोलेगा जो मुझे नहीं मिला लेकिन इसे मिला। फिर क्या वो जुड़ेगा आपसे? जो आप एक्चुअली में शब्दों में बयां जिंदगी भी नहीं कर सकते, जैसे सफेद कलर आप कोई भी कलर के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। जिस दिन आपको ये आ गया और ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ओके okay, ये एक्सरसाइज आप खुद ढूंढो, क्योंकि यहाँ से आपकी जिंदगी का नया सफर शुरू होगा। ओके okay? क्योंकि अगर ये करना है तो इसके लिए आपको समझना चाहिए कि अगर आपको वैल्यूएबल बनना है तो आपको वैल्यूज चाहिए, राइट? अगर वैल्यूज नहीं है ना तो आप वैल्यूएबल नहीं हो। जिधर वैल्यूज नहीं, और वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ आज हम सीखेंगे लीडरशिप। लीडरशिप मतलब नेतृत्व, राइट? यानी मार्ग दिखाने वाला, समझाने वाला, बताने वाला, ये आप बनना जरूरी है, राइट? तो नेक्स्ट टाइम, अभी ये इसमें आपको लीडर दिख रहा है, कौन सा वाला है? रेड वाला। क्यों? बाकी के नहीं है, ये तीनों इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों को कौन फॉलो कर रहा है? तो सोच देखो हमारी कैसी है, हम साला ये भी चीज देखते हैं, ऐसा नहीं ना। आप शायद यहाँ है, ये आप इसको फॉलो कर रहे हो ना, प्रॉब्लम है कि सिर्फ इसको फॉलो नहीं, इसको क्यों फॉलो कर रहा है, इसको क्यों फॉलो कर रहा है, इसको मालूम नहीं, इसको भी नहीं मालूम, ये इसको मालूम है वो क्यों जा रहा है। एक्चुअली में ये खा पी के घूमने निकला रहेगा, लेकिन इसे देखो सारा लाल कलर का है, चल रहे भाई बहुत निकला हुआ है, इसके पीछे घूमो, ऐसा नहीं ना। ये लीडर इज द वन हु लीड्स, इसको मालूम होना चाहिए कि वो कहा जा रहा है। अगर आपको नहीं मालूम ना क्यों ये लोग गए, निकल जाएंगे मालूम नहीं, राइट? क्योंकि ये निकल जाएंगे ये फिर भी जाते नहीं, ये अपना काम खत्म करके घर चला जाएंगे ये फिर भी भटक रहेंगे, इधर क्या हो ला ला। सब भटक जाएंगे, एक्चुअली में निकल जाएंगे इधर उधर इधर उधर, बोलेंगे अब तक तो अपन साथ में चल रहे थे, अभी किधर भटक गए, क्योंकि वो लीडर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सबको होना चाहिए कि ये चला भी जाए तो दूसरा बन जाए, दूसरा बनने के बाद ये तीसरा बन जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी रिलीजियस मास्टर, जो देखो बहुत लोगों की आध्यात्मिक सोच थी, लेकिन एवरी स्पिरिचुअल मास्टर जिसने ये रूल बनाया कि उसके नीचे दूसरा स्पिरिचुअल मास्टर खड़ा, दूसरे तीसरे, वो टिका रहा इन रिलीजन। अदरवाइज बहुत सारी सोच ये खत्म हो गई, राइट? लेट्स टेक बुद्धिज्म। बुद्धा ही फाउंड, उसका अलग से उसने एक वे फाइंड किया था, अलग अलग रास्ते में चला, उसके बाद उसके साथ चलने वाले बहुत लोग थे, राइट? वो चला गया, क्या खत्म हो गया? नहीं, उसके साथ बहुत हैं। वो छोड़ो, उसने इंडिया नेपाल के इधर जो भी कॉन्ट्रोवर्सी वहां शुरू किया, लेकिन आज आप मंगोलिया जाओ, कहा वो मंगोलिया, वो इधर, वो इतना दूर देश, वहां पे भी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, यानी नोमैड, जहां पे कंप्लीटली जानवर जैसे लोग रहते थे, वहां पे भी कल्चर डाल दिया एक सोच ने, ये इतना पावरफुल होना चाहिए, राइट? एंड दैट इज हाउ डीएक्सएन इज, डीएक्सएन इज दिस मैन डॉक्टर लेन। अभी आपको अगर यहां पे भी हो गए ना, हाँ, आपको इसकी सोच से ज्यादा किसकी सोच इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? इसकी सोच, क्योंकि ये बीच वाले निकल भी गए आप, डायनेमिक कंप्रेशन, राइट? ये बहुत जरूरी है, इसकी सोच, और इसकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, और लकीली डीएक्सएन इज अ वन मैन कंपनी, ये जहां घूमता है, ये जहां जाता है वहां डीएक्सएन चली जाती है, और इसकी सोच बहुत जबरदस्त है, इसकी फिलोसफी बहुत जबरदस्त है, वो अपने ही कंट्री से आईआईटी से पास आउट है, राइट? और भगवत गीता पूरा इन डेप्थ याद कर, सोचो चाइनीज होते हुए स्टेइंग इन मलेशिया, ही नोज भगवत गीता पूरा डिटेल में, एंड ही लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवत गीता। वो बोलता है कि मैं, आई डोंट वरी अबाउट व्हाट द रिजल्ट्स आर, मैं सिर्फ मेरा काम करता हूँ, मेरे को ड्यूटी है, इफ आई हैव बीन गिवन द स्ट्रेंथ, मेरे को अगर शक्ति दी है मैं वो करूंगा, बाकी ऊपर वाला संभालता है। और एक्चुअली अभी हम लोग भी वैसे करते हैं, अभी हमको चाहिए था कुछ वीजा निकालना है, हम लोग क्या करते हैं, सब पेपर वर्क निकाल देते और दे देते, फिर क्या बोलते,
ऊपर वाला दिखेगा, देगा कि नहीं देगा। फिर बराबर आता है, एक्चुअली मैजिकल है। हम बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है, ऐसी ऐसी चीजें मैं सच में सोचने लगा कि ये इंसान की कंपनी है ही नहीं, ये साला भगवान चलाता है। क्या बात है, और यहाँ कभी 180 कंट्री में जाके फैला हुआ है, 180 कंट्री में, और प्रोडक्ट पावरफुल है, लेकिन प्रोडक्ट पे कम बात करता हूँ, वो खुद कम बात करता है। वो किस पे बात करता है? बाकी सब चीजों की, क्योंकि उसको मालूम है ना प्रोडक्ट क्या है, जो लेगा उसको और भी पता चलेगा, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट स्लाइड। और ओके, और एक लीडर का क्या क्वालिटी होना चाहिए? वो साथ रहता है, क्रिएटिंग लीडर, साथ मिल के करता है। अकेला रह के कुछ नहीं बन सकता, अकेले आप सब छोड़ के जाओ नहीं होगा, आपको साथ रहना पड़ेगा। ये सुनो, नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या करता है लीडर, क्या करता है? He has a vision. वो देखता है ना क्या करना चाहता है। अभी डॉक्टर लीम का विजन बहुत क्लियर है, टू बी द नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। बहुत सिंपल है, सो दैट ऑल माय डिस्ट्रीब्यूटर्स आर मिलियनेयर्स। ये उसका सोच, बार बार वही सोचता है और उसी डायरेक्शन में जा रहा है। He is going everything ताकि वो उसके विजन पे, और जो भी उसके साथ है उनका विजन भी वही होना चाहिए। अगर वो कुछ और देख रही है और ये अलग कुछ देख रहा है, खत्म। फिर वो डबल, एक दो आंखें, दो ने आंखों ने एक ही चीज देखनी चाहिए। एक आपने इधर का देखा, एक ने आपने उधर देखा, आपने क्या बोलते इसको, काना, क्या बोलते काना, इधर का उधर, अभी दोनों साथ देखो ना यार, तुम टीम और टीम, ये टीम बदल गया, इसमें जगह हो गया, खत्म। ना आदमी तुमको, अरे आदमी आग डाल के देख पाएगा, क्योंकि आप ही कुछ और नहीं देखते। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये दिस इज व्हाट, ये क्या करता है एक लीडर, क्या करता है? सपोर्ट, सपोर्टिव चाहिए। क्या डीएक्सएन सपोर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को? यस। क्या यहाँ के पुणे के डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट हुआ डीएक्सएन मैनेजमेंट से? यस। ये बेस्ट एग्जांपल है, ये वो हाथ है, ये ऑफिस, राइट? और ये बढ़िया ऑफिस है, आई बिलीव इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसेस, है ना? मैं बॉम्बे गया था तो मुझे लगा था बॉम्बे से तूने एक कदम और अच्छा बात किया, इंडिया में बाहर का आपने देखा हो तो आपको बाहर से भी ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत बड़ा है। हमको तो कॉन्फ्रेंस हॉल इतना बड़ा लेना पड़ता है रेंट पे, ये तो अभी कंपनी का है। सोचो जिस दिन आप यहाँ खड़े रहेंगे और आपकी टीम 150 लोग की रही है और आप मीटिंग दे रहे हो, तो क्या आप किस में आओगे, साइकिल पे, बाइक पे, कार? सोचो कॉमन सेंस है ना। यहाँ आपको सिर्फ सिंपल चीजें, यहाँ खड़ा रहना है, ये भरना है, जिस दिन ये हो गया खत्म, आपका लाइफ चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड। अभी तो ये क्या है, ये कौन से वैल्यूज है जो एक लीडर को बनाते हैं? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉयल्टी, जरूरी है। लॉयल्टी क्या बोलते हैं मराठी में? प्रामाणिकपना, राइट? वेरी वेरी गुड। लॉयल्टी कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा। मेरे को डीएक्शन पसंद है सारा, लेकिन वो जो टूथपेस्ट ना उसमें प्रॉब्लम है। मेरे को मेरा देश पसंद है, लेकिन साला वो जो है ना उसमें प्रॉब्लम है। लॉयल्टी मतलब या तो तू पूरे के साथ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ एक्सेप्ट कर ले, जैसा है वैसा, या तो नहीं, राइट? एक साइड ले, बीच में खड़ा रहे, या तो उधर जा, बीच में खड़ा रहे, कभी लॉयल्टी नहीं होगा, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको साइड लेना पड़ेगा, और जिस दिन आपने साइड लिया फिर उस साइड के सब काम करने पड़ेंगे। जैसे पांडव ने किए थे, ये साइड आ गए, कृष्णा भी ये साइड आ गया, सब वही काम करने लगे जो एक ही चीज करना था। कौरव के साइड अगर कोई भी गया, भले भीष्म भी तब आ गया, वो भी किसके साइड से करने लगा? वही कौरव के साइड से। साइड नहीं है ना, आपने साइड ले लो। अगर आप डीएक्शन में आ गए हो, देन एक्सेप्ट इट द वे इट कम। एवरी प्रोडक्ट, मत क्वेश्चन पूछो। बच्चा शादी हो गया, लॉयल्टी, शादी हो गया, बच्चा हो गया, पहला बच्चा गोरा दूसरा काला हो गया, तू भी अपना ही बच्चा है ना, राइट और रॉन्ग? काला कैसे है? ये आपका नहीं है, वहां वहां डाउट आएगा, वो मत सोचो ज्यादा। यू हैव टू एक्सेप्ट योर रिलेशन। लॉयल्टी मीन्स कंप्लीट ट्रस्ट, भरोसा। ये आग बन करके भरोसा करना है। जिस दिन आप लॉयल होंगे, आपको अगर कंपनी लॉयल लगी, पहले तो आप पहले ये देखो क्या कंपनी लॉयल है, क्या ये चीट कर रहे हैं, क्या किधर किधर इसका कंप्लेंट है कि इसने फंसा है, इतने लोगों का पैसा डूबा है, ये ढूंढो पहले। अगर सब में लॉयल मिल रही है, आदमी लॉयल है क्या? मैं उसको देखा है, मैं इतना देखा है उस आदमी को लॉयल्टी। बल्गेरिया में कैंप था और हम लोग बैठे थे,
और डॉक्टर लिम भी बैठे थे और सब बैठे थे, तो वो डांस लगा शो, वो लोग डांस करते थे हाथ पकड़ पकड़ के गोल 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 गोल। तो वो बहुत बड़ा क्राउन एम्बेसिडर जो यूरोप का है वो उसका हाथ पकड़ के बोला चलो। नहीं, उसके पहले एक आदमी आया मोटा, वो डिस्ट्रीब्यूटर था स्टार एजेंट वगैरह, डॉक्टर लिम का हाथ पकड़ रहा एकदम मोटा सा था चेक रिपब्लिक का, उसको बोला चलो मेरे से डांस करो। डॉक्टर बोला नो नहीं चलो चलो नो। फिर जो मैनेजर थे वो बोले कि नो डॉक्टर डांस नहीं करेगा, तो वो चला गया। फिर आया कौन क्राउन एम्बेसिडर, वो बोला डॉक्टर को चलो। अब डॉक्टर बोले नो, तो मैनेजर बोला अच्छा क्राउन एम्बेसिडर जाओ। अच्छा ऐसा है, ये तो ये हुआ ना डबल सोच। तो बोलता ओके डांस करना जरूरी है तो रुक तुम आगे जाओ मैं आता हूँ। फिर वो जब मोटा वापिस आया ना उसको बोला रुक एक मिनट मैं तेरे साथ डांस करूंगा, और उसके साथ वो गया डांस करना। मैं वहां देख रहा था, मैं बोलता ये होता है इन लॉयल्टी, अगर उसने पहले वाले को नहीं बोला और दूसरे वाले को हाँ बोला तो वो दो मुखी हो गया डबल डोल, वो डेंजरस आदमी। लेकिन उसने क्या किया, वो डिड नॉट केयर यूर क्राउन एम्बेसिडर, पहले तो आपने मेरा थॉट चेंज किया, देन आई गो विथ व्हाट माय वैल्यूज आर, और उसका वैल्यू था किस किस चीज को नहीं बोला उसको वापिस हाँ बोला, जरूरत नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बड़ा से आप बी एस एल में हो तो वन गुड क्वालिटी यू शुड हैव इज ट्रस्ट, भरोसा रखो, भरोसा रखो कंपनी। फिर उसके बाद भरोसे में किसी ने आपको फंसा भी दिया वो ठीक है, वो आपकी गलती नहीं ना, आप अपने लॉयल्टी दिखाओ, आप मत बनो वो जो चीटी करे, कोई आपके साथ चीट करे वो उसकी क्वालिटी। अगर डीएक्सएन ने आपके साथ चीट किया ना तो वो डीएक्सएन की क्वालिटी हुई, लेकिन आप तो लॉयल बन सकते हो ना। बी लॉयल, लॉयल कंज्यूमर्स, लॉयल नेटवर्कर्स, लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर्स, लॉयल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए भी आप लॉयल्टी कर सकते हो, डबल वाला मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये क्वालिटी डिफिकल्ट है? है डिफिकल्ट है, क्योंकि लॉयल्टी को ना किस चीज से तोड़ा जा सकता है बताओ, लॉयल्टी को किस चीज से तोड़ा सकता है? रिश्वत, लालच, ग्रीड, इससे आप लॉयल्टी को खत्म कर सकते हैं, राइट? करो जिस दिन हमने ये नेगेटिव चीज को आने ही नहीं दिया अपनी लाइफ, बर्बाद हो गए तो भी चलेंगे लेकिन हम यही देश में रहेंगे। ये चीजें हो गया ना तो जो हमारे पे राज करने वाले वो चलेंगे, राइट? वही चीज, लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस क्वालिटी आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। सेकंड ये इसकी तरह होना चाहिए, एंथुजियास्टिक। वो लीडर ही क्या जो एंथुजियास्टिक नहीं है? और सबसे बड़ा जो हमारा लाल मच्छी है ना डॉक्टर लिम, वो सुपर एंथुजियास्टिक है। वापिस में आपको बता रहा हूँ, ऐसे यूरोप से वो जा रहे थे कार में, और बंदा कैन यू इमेजिन ही इज अ बिलियनर, इतना पैसे वाला आदमी कार में जा रहा है, वो खिड़की में से दिख रहा है वो सब, ये वो ग्रीन ग्रीन सब दिख रहा, इसको क्या हो गया? गाड़ी स्टॉप 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 स्टॉप, अभी इसको क्या हो गया? वो बोले रुको रुको, फिर दरवाजे खोल रहे पार्क पार्क साइड में, मेन हाईवे पे साइड में पार्क करवाया और उछल के जा रहा उधर एलन रोड के उधर गार्डन में, और गार्डन में क्या कर रहा, बॉटल लेके बॉटल, इसको क्या हो गया? बॉटल भी चाहिए गार्डन में, तो हम लोग भी तो डाउट में बोलते हैं नो नो क्या बी बी मधुमक्खी पकड़ना है उसको। ये 50 साल का आदमी अभी मधुमक्खी पकड़ेगा क्या? वो तो स्पेशल मधुमक्खी, वो दी फ्लावर जो है ना, ये बहुत अलग टाइप का फ्लावर है, इसका मधुमक्खी अगर हमको पता चला कौन से टाइप का है उससे बाद हनी हम बनाएंगे, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये तो एक बच्चा ही कर सकता ना, तो अगर आपके अंदर बच्चा नहीं है आप एंथुजियास्टिक नहीं हो सकते। एंथुजियाज्म के अंदर मतलब आपके अंदर का बच्चा जीना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं जिंदगी की तलाश में, जिंदगी की जो तकलीफें होते हैं ना, पहला चीज जो घुट के मारते किसको? अपने अंदर के बच्चे को, ऐसा ना पहला चीज। और मैं अक्सर ढूंढ के निकालता हूँ कब मरा आपका बच्चा, मैं बोलता हूँ लोगों को एक पेपर हो आप जाना और ढूंढना आपका बच्चा कब मरा हो, क्योंकि बच्चा रहता है ना वो क्रिएटिव होता है, बराबर? आप एक पेपर लेना और पेन लेना, ओके, और ड्रॉइंग करना किसी चीज का, ड्रॉइंग से आपको पता चलेगा आपका बच्चा कब गया। किसी किसी का 3-4 साल में ही बच्चा हुआ जिनका ड्रॉइंग ऐसे रहता सारा, समझने उस टाइम में इसका चला बच्चा गया। किसी का अच्छा रहता टीका रहता 20-20 साल तक, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड योर चाइल्ड, अपने अंदर का बच्चे ढूंढो इसके साथ, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे जुड़ते हैं, बड़ों के साथ बच्चे नहीं जुड़ते। जुड़ते क्या?
दो बच्चे भले ही दूसरे को पहचानते नहीं लेकिन हेलो साथ में चाहिए जैसे नो नेटवर्किंग में ना बच्चा बन के और बच्चे आएंगे बड़े बन के कभी नहीं आया तो बच्चे बन के घूमो होशियार बन के बड़े बड़े इंसान बन के मत घूमो बच्चे बन के भक्ति मजाक में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े और यही चीज हुई बोलीविया में यही चीज हुई पेरू में यही चीज मेक्सिको में बच्चे उनको मालूम नहीं कुछ नहीं मालूम कॉफी सर कॉफी गुड वेरी गुड फैंटास्टिक आई ड्रिंक आई गिव एवरीबॉडी टू ड्रिंक एंड एवरीबॉडी ड्रिंक एवरीबॉडी गिव एवरीबॉडी टू ड्रिंक ये बस इसका तो पढ़ रहा ना चेक उसको उसको इंटरेस्ट भी नहीं है चेक के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं उसको क्या इंटरेस्ट है कॉफी हां उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं वो लगा है सबको कॉफी बांटने में सबको ये बांटने वो सबको उसके पीछे लगा है वो चेक की तरफ देख भी नहीं रहा है और ऐसे भी मैंने सुना कोई कोई ये छह छह महीने तो उनको पता भी नहीं था उनके घर के अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा हो गए क्योंकि वो बाकी चर्चे तो कर रहे थे यू नॉट इवन रियलाइज एंड ये कंपनी ने उसको बोला कि यू हैव मेड सो मच मनी ओह आई मेड सो मच मनी और खुश इधर तो खुश था ही था अभी पैसे भी आ गए तो और खुश इट्स लाइक दैट बच्चा जो खासी खेल के पढ़ेगा ना वो अच्छे मार्क लाता है जिसको आप बैठ बैठ के पढ़ाओगे ना वो नहीं लाएगा एक बार लाएगा बाद में नहीं लाएगा जैसे नो हंसते खेलते रहो और हमेशा इम्पोर्टेंट तो पहले चीज कैसे टेस्ट करोगे आप हंसते खेलते हो पूछो देखो आजू बाजू लोग अगर हंसते खेलते हैं तो आप हंसते खेलते हो अगर आजू बाजू लोग सीरियस है इसका मतलब आप सीरियस हो हॉस्पिटल में कभी पेशेंट को देखने जाओगे ना वो ऐसे सीरियस है बैठे रहेंगे आप भी सीरियस बैठेंगे ना वो डबल सीरियस हो मैं जाता हूँ ना मिलने को मैं तो जाता हूँ हंसते खेलते क्या हो गया कैंसर है कैंसर तो हो गया डॉक्टर क्या भविष्य दिखता है क्या नहीं वो डॉक्टर क्या बोला कुछ नहीं बोल सकता डॉक्टर कल के बारे में कैसे बोल सकता दुनिया का कोई आदमी नहीं बोल सकता तुम्हारा भविष्य तुम्हारा वर्तमान है अगर वर्तमान में आप वही करोगे जो आप करते आ रहे हो तो आपका भविष्य निश्चित है जो आपका हो गया है लेकिन अगर आपने वर्तमान को बदल दिया तो आप भविष्य को भी बदल सकते हो मैंने अक्सर देखा है कि जो लोगों ने दुख सहा है दुख उन्होंने अक्सर उस दुख में से सुख का प्राप्ति किया है और जो लोग ने सुख देखा है वो अक्सर दुख की तलाश में अपने आप को खो देते हैं बहुत प्रॉब्लम है अभी देखो एक कैटरपिलर ओके मेरा बहुत फिलोसॉफिकल है लेकिन सुन लो मजे की बात है क्योंकि नॉलेज बहुत बांटने वाले आपको गूगल में मिल जाएगा सब इन्फॉर्मेशन लेकिन ये सब चीजें एक्सपीरियंस है ओके एक कैटरपिलर कैटरपिलर मालूम है व्हाट डू यू कॉल कैटरपिलर मालूम है आपको स्टैटरपन वाइट है आड़ी आड़ी हां आड़ी ना ते हर बार और लाती थी ओके मेरा फेवरेट है ना हर बार आई तो मैं उसमें अक्सर देखता हूं वो आई ती आई ती तिला एवढे पाय असतात हा इतना पेड़ है वो खाती रहती है कप 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 पत्ते कितना सुखी जीवन है पत्तों की पूरे पत्ते है एक ब्रांच में जाओ उधर खाओ इधर खाओ उधर खाओ तो सब सुखी है लेकिन एक समय उसमें ऐसा आता है वो सुख त्यागना शुरू कर देती है और क्या करती है बोलती ये जिंदगी नहीं चाहिए मुझे कुछ और चाहिए अभी देखो इतने पेड़ है अच्छा खाना है सब कुछ है फिर भी क्या करती हो अपने लिए एक छोटा सा ककुन बनाती है जहां खुला मैदान था सब कुछ था वहां वो खुद को क्या करती है बांध के रखती है बेवकूफ है ना खुद को बांध के रखती है और जाती है ककुन में ककुन ही बोलते ना उसको ककुन में राइट कोश सोचो वो आ जाके अभी क्या है अंदर तो बढ़ना है नेचर का लॉ है तू बढ़ेगा ये तो लॉ है नेचर का लेकिन इसने नेचर के लॉ को तोड़ने की कोशिश की इसने बोला मैं बढ़ने नहीं दूंगी सिर्फ ये वाली जिंदगी नहीं चाहिए इसने क्या उसने किया लॉक करके रखा अपने को अभी अंदर से नेचर बढ़ा रहा उसको लेकिन नेचर ने देखा कि इसका एनवायरमेंट ये वाले बड़े होते के लिए अच्छा नहीं है इसको इतने पैर होते हुए भी अभी ये चल नहीं रहे इसको इतना मेरा बॉडी बढ़ सकता है लेकिन ये बढ़ नहीं दे रही उसने बांध के रखा है तो नेचर स्विच करता है पूरा जेनेटिक्स चेंज हो जाता है और बोलते हैं छोड़ो इसको पैर की जरूरत नहीं लगता इसको पंख दे देते और इसको धीरे धीरे पंख आना शुरू हो जाता है
और वो वही आड़ी जब थोड़े दिनों बाद वहां निकल के उड़ने लगती है, ये सुनो yes. क्या किया उसने, उसने दुख कहीं तो सहा ना, आप समझो, दुख कभी आपको दुखी करेगा और तो आप गलत हो, अगर दुख आपका सुख का मार्ग बना रहा है तो बहुत सही जा रहे हो। अगर यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दुखी नहीं है, हर इंसान ने कहीं ना कहीं दुख देखा है या दुख देख रहा है और वो मार्ग आपका सुख का बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कभी भी रास्ता बनते हो पहले खड्डे बनते हैं, गंदा लगता है, तकलीफ होती है, लेकिन हाईवे बनने के बाद अच्छा लगता है, राइट। यही जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसके लिए आपको हर दुख में भी क्या करना है, आपको सुखी रहना है। सुखी रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, हा? अकेले भी सुखी रह सकते कि नहीं, वेड़े सारे सकते लोग मंथली वेड़े हैं तरी चले, यू हैव टू बी लाइक द किड, ओके। थर्ड पॉइंट, ओके, एटीट्यूड, ओके। एटीट्यूड मतलब, एटीट्यूड मतलब सोच, रवैया, दृष्टिकोण, 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 खुद को किस नजर से देख रहे हो, खुद को, फॉरगेट दुनिया को, पहले तो खुद को किस नजर से देख रहे हो। इंसान अक्सर अपने आप को उल्टा ही देखता है, राइट। उसको पता ही नहीं कि वो एक्चुअली सब कुछ कर सकता है, वो दुख 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 के बहाने वो फंस जाता है। उसका एटीट्यूड लाइफ का उसका कैसे होता है, जैसे इसने एग्जाम्पल दिया वो कौवे का, राइट। आप सोचो उसने उस एटीट्यूड को लिया और उसी से उसकी जिंदगी शुरू की और उसी से उसकी खत्म होगी। आपके पास अगर ऐसा एटीट्यूड है आप कभी भी आगे नहीं सकते, आपका एटीट्यूड आप चेंज कर सकते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड इज जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड लगता है पॉजिटिव एटीट्यूड बनने के लिए। और वो कैसे बनेगा और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, कैसे पता चलेगा? एक जैसे बीपी चेक करने के लिए मशीन होता है, शुगर चेक करने के लिए मशीन होता है, एक एटीट्यूड चेक करने के लिए मशीन होता है, मालूम है आपको? नहीं मालूम है? मार्केट से लेके आओ, इतना छोटा मिलता है, मालूम है आपको? नहीं मालूम? नहीं सीरियस, नहीं मैं जोक नहीं बोल रहा यार, सीरियस नहीं। एक ऐसा मशीन रहता है, हाँ, इसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हो, चेक करो, हाँ ये सही है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड है। कभी भी जिंदगी में आपको चेक करना है कि एटीट्यूड क्या है, सामने वाला बहुत एटीट्यूड मार रहा है, रुक एक मिनट, देखा जैसे ही आपने मुस्कुराया आप बोला नहीं सब पैरामीटर सब है, उसमें दिखा खड़ू से कोई है उधर, तो उसको पहले सुधारो, आप मत सुधरो उसको सुधारो, इसको जैसे ही सुधारोगे आप खुद पर खुद सुधर जाओगे, राइट करो। वेरी सिंपल, एक तो रहता ही है, नहीं रहता बाइक पे रहेंगे ना, नहीं रहेगा ना बाइक पे भी देखने का एटीट्यूड के सामने, नहीं तो आधे से लोग सीरियसली बाइक चलाते बर्बाद हो गई ऐसी जिंदगी जी रहे। सोचो क्या हो रहा है, ये सोच से आपके बॉडी में क्या हो रहा है, बीपी बढ़ रहा, सब बेकार हो रहा है, सिर्फ सोच से क्या तो चलो हाई रेड चला बीच में गाड़ी लगा के बैठा ये वो सच जानना चाहिए इसका। एक कभी सुखी इंसान को देखा क्या, वो गाड़ी में बैठा रहता आए ना दीजिएगा कार मिल कर दिखा, कार में चल रहा उसका स्माइल मिल कर रहा उसको, देखा ना आप लोग, वो स्माइल मिल कर रहा, वो खुश है, वो किधर कितना आधा घंटा भी जा रहा तो इसका तो कार चल रहा है, आधा घंटा लगा के वो बैठेगा, वो लिपस्टिक खुशी लाएंगे, क्योंकि दैट इज द वे इट इज। आप जो चीज नहीं चेंज कर सकते उसको छोड़ दो ना, लेकिन आप खुद को तो चेंज कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कम्स विद हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ, अच्छा कपड़ा पहनो, प्रेजेंट योरसेल्फ गुड, समबडी शुड स्माइल एट यू, किसी ने आपकी तरफ मुस्कुराना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। आप दुखी जाओगे और बोलोगे मुस्कुरा, कोई नहीं मुस्कुराएगा, और आप दुखी ऐसे फटे हुए आदत का मुस्कुराते बोलेंगे ये डे भागो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी द वे यू वॉन्ट टू बी, चूज, आप कॉपी कैप करो, आपको अगर उसकी तरह बनना है वैसे बनाओ, कपड़े कपड़े वैसे बनाओ, स्टाइल भी करो, खत्म, बात खत्म, ये गेटिंग अ पॉइंट। अभी देखो मैं हीरो की तरह रहता हूँ, एकदम, अभी मैं एयरपोर्ट पे ऐसे देख रहा था तो मैं दो जन बात कर रहा था, हाँ इंडियन हीरो, इंडियन हीरो, बात भी बढ़िया, एक्चुअली मेरी मजबूरी है, टाइम नहीं मिला, मजबूरी को आज सुबह ही मैंने डिसाइड किया था, लेकिन मैं कल 2 बजे उठा और सुबह मेरा टाइम जेट लैग हो रहा ना मेरे को, इतना ट्रैवल करने वाला,
मैं सुबह उठा, बोला चलो आज जाके बाल काटना है, लेकिन तब तक वापिस 8 बजे सोया और 1 बजे 1:30 बजे उठा। अभी कह के इधर वापिस भागो। मम्मी को बोला मम्मी क्या करूँ अभी बाल इतने बड़े एड़े लगी है, मैंने सब लोग बोले मम्मी बोलने अच्छा स्टाइल लग रहा है, स्टाइल लग रहा रुक 1 मिनट। ऐसे लोग आपके आजू बाजू रहने चाहिए, है ना, आपकी जो जो भी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में बदलने के लिए, क्योंकि वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने के लिए सिर्फ एक एक साथी की जरूरत है, और सबसे पहला साथी कौन होना चाहिए, कोई और नहीं आप खुद खुद, खुद आप अपना साथ दो। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सक्सेसफुल होना है बिजनेस में। नेक्स्ट, ओके, डिसिप्लिन। और ये मैंने वहां देखा, मैंने बोलिविया, पेरू, मेक्सिको, ये कंट्रीज में देखा और मैं शॉक था। मैंने फोटो भी निकाले, मैं इनको भी दिखाया, मैं बोला यार ये कैसे हो सकता है। वहां का कंट्री मैनेजर वहां पे लिखा है, सब लोग इधर आओ, फोटो निकालना है सिर्फ, ग्रुप फोटो। अगर हमको अभी ग्रुप फोटो निकालना कैसे होगा, चलो यार चलो ग्रुप फोटो से बैठो इधर से ले उधर से ले, ऐसा हो गया। नो डिसिप्लिन, हम फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी खत्म, कुछ कैसा आएगा उनका मालूम नहीं, चांस पे छोड़ दिया। लेकिन इन डिसिप्लिन एनवायरमेंट यू आर अश्योर्ड ऑफ अ गारंटीड रिजल्ट। आपको मालूम है कि ये क्योंकि ये मुझे चाहिए। डिसिप्लिन इज द की फॉर सक्सेस। और वहां पे जब उसने कहा एक काम करो, अच्छा डायमंड के नीचे सब वाले स्टेटस यहाँ खड़े हो जाओ, चुपचाप लाइन में खड़े हो गए सब लोग। ये लोग वो हैं जिन्होंने 60-70,000 रुपीज भर के कैंप पे आए हुए। सोचो, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स नाउ बीइंग डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट। फिर दूसरी तरफ बोले कि डायमंड